बोतल बूतल मरी सिर च दरख्त के डंडे तोड़ के वो मारे तो वो कपड़े ला के डंडे मारे जी तो उन्होंने भजाया तो वो लत्त से मोटरसाइकिल चढ़ाया इन्होंने उन्होंने अपना शराब पी उ थोड़िया मोटिया सट्टा मारिया फिर इनू इसे इसे मोटरसाइकिल से लैके चार जने बैठ गए जो सूए वाल हैगा उत्थे नू इहदे कपड़े लाए इनू बड़ी बेरहमी नाल कुटमार कीती इहदे सिर दे विच अते लत्तां दे बॉडी ते काफ़ी मतलब इहदे अपने जिहड़े जख्म किए इनू भजा मतलब भजा भजा के इन्होंने मारिया। दोषी पवित्र नू सुखी ते अवतार नू गिरफ्तार कर इन्हां दे 21 साल 22 साल इह यंग एज दे सारे जिहड़े हैगे आ क्योंकि मरन वाला भी 19-20 साल दा सीगा। हफ्ते से बैठे थी जी तो डोल्ट मेरा पुराना बैर से वह मेरे ना बैर रखा था पुराना डोल्टा मुंडा कोट का जी तो उत्थे हफ्ते से बैठे वो गल्ला कर रहे थी वो भी रहिंदा थी साढ़े नाल भी रहिंदा थी उत्थे बह के कहिंदा भी डोल्टा आऊगा तो कृपाना मारू थोड़ू ऐ करूगा तो असी डर गए जी तो डरे हुए असी बोतल बूतल मरी सिर च बोतल बोतल मार के सिर च उतों असी उन्होंने लैके निकल गए भी तेनों डुलट के घर मूहरी लैके जावे तो उत्थे जाते जाते असी दरख्त के डंडे तोड़ के वे मारे तो वो कपड़े ला के डंडे मारे जी तो उन्होंने भजाया तो उन्होंने वो घर तक ले आते रहे तो रास्ते वह गिर जाता थी फिर उठाल दे लत्त ते मोटरसाइकिल चढ़ाया यह मिति 2/4/2023 जी सवेरे इनफॉर्मेशन मिली सी एक अनआइडेंटी डेड बॉडी बिना कपड़े तो जो असी छिंटा वाले तो कोटकलां वाल कच्चे राह नूं जाने सूए ते जाने उस रस्ते एक डेड बॉडी मिली सी जिसते SHO सदर गुरप्रीत पिंडर ते इन्होंने अपनी समेत टीम चौंकी जां छिंटा वाला मौके पर गए मौका हमला जहाँ किया तो जो एक डेड बॉडी जिस दे सिर उपर अते बॉडी ते काफ़ी जड़े जख्म पाए गए थे जो सट्टा मार के किसी नाम नूं व्यक्तियों ने इन्हों कतल किया जो इन्होंने पहला तो डेड बॉडी जी मिली सी उन्होंने आइडेंटिफाई किया कमल प्रिंस पुत्र सुखविंदर सिंह वासी लोहार माजरा जरा आइडेंटिफाई होया उसू अगे लैके अपना तफ्तीश जो कंटिन्यू करते हुए तो थाना सदर नाभा विखे FIR नंबर 61-302-34 IPC परचा दर्ज किया गया उदों तफ्तीश नू डंगाई नाल साइंटिफिक अते सोर्स राही जो ये सामने आया कि जो मृतक सी उसदे ही खास मित्र जिहड़े सीगे किसी टाइम जिन्हां विच अवतार सिंह पवित्र सिंह अते सुखी जो कि नाल दे पिंडां दे रहिण वाले ने इन्हां ने उसनों फोन करके शाम को बुलाया किसी हफ्ते से उत्थे इन्होंने रल मिल के शराब पीती पवित्र जो कि इस केस का मुख्य दोषी आ उसनों ये सीगा भी जे जिहड़ा मृतक आ भी ये मेरी इनफॉर्मेशन जो इन्हों कोई माड़ी मोटी लड़ाई होनी आ किसी ग्रुप नाल ये मेरी जिहड़ी इनफॉर्मेशन आ जां मेरा टाइम चुकाउण जां मैनूं मरवाउण नूं ये दूसरे ग्रुप नाल रल गया है इन्होंने उन्होंने अपना शराब पी उत्थे दे थोड़िया मोटिया सट्टा मारियां फिर इनू इसे इसे मोटरसाइकिल से लैके चार जने बैठ गए जो सूए वाल हैगा उत्थे नू इहदे कपड़े लाए इनू बड़ी बेरहमी नाल कुटमार कीती इहदे सिर दे विच अते लत्तां दे बॉडी ते काफ़ी मतलब इहदे अपने जिहड़े जख्म किए इनू भजा मतलब भजा भजा के इन्होंने मारिया कपड़े भी इहदे असीं बरामद कर ले ते हुण असीं अज जिहड़ी हैगी आ इह तफ्तीश दौरान इस कतल दे मुकदमे च दोषी पवित्र नू सुखी ते अवतार नू गिरफ्तार कर होर भी हाथ है मामले अरे तफ्तीश चल रही आ ते इन्हां दा असीं हुण अरैसट पा ली गिरफ्तार कर ली ते बाकी जो एविडेंस हैगियां ने हथियार जां होर किहड़े बंदे ने देखिया की इन्हां तों रिकवर करना वो अगे असीं इहदा इन्हां नू मानजोग अदालत च पेश करके पुलिस मानहस्त करके ये सारी जिहड़ी रिकवरी करावांगे। इन्हां दे पहला भी कोई हैगे जी कोई केस रजिस्टर्ड शायद एक तो इन्हां दे केस पहले दर्ज हर्ट केस हैगे आ
ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜੋ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ? ਅਜੇ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ 21 ਸਾਲ 22 ਸਾਲ ਇਹ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ 19-20 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੀਕੇਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਕਤਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਡੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਹਲੜ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ 10-11 8-10 ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੈਨ। ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਆਓਗੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਾਓਗੇ, ਖੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਓ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ 101% ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਡਿਤ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ 98-785-53-799। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਮਨਚਾਹ ਪਿਆਰ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ, ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਕਿੱਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਘਰ ਕਲੇਸ਼, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਵਾ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 98-785-53-799।